अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं बेस्ट फिटनेस। आज का जो मेरा टॉपिक है मसल बिल्डिंग, जो हमने प्रोग्राम में हमारा वर्कआउट का जो खत्म किया है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 10% जो आपका वर्कआउट मैटर करता है और 90% आपकी डाइट मैटर करती है। और आपके लिए मैंने मील तैयार कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। हम एक दिन में 5 मील लेंगे। मील का मतलब यानी कि आप एक दिन में 5 बार खाएंगे। अब ये मील खाई है, इसके 3 घंटे बाद हम दूसरी मील खाएंगे। यानी कि एक दिन में 5 मील लेंगे और पहली मील आपको मैं तैयार करके दिखाऊंगा और आप प्रैक्टिकली जैसे मैं करूंगा वैसे उसे करें। यानी जिस तरह मैं आपको पका कर कुक करके दिखाऊंगा उस तरह आपने खाने की। आपके लिए बनाया था इंटरमीडिएट के लिए था, यानी कि जिनको वर्कआउट करते लगभग 2 से 3 साल हुए हैं वो उनके लिए वो वर्कआउट था जो मैंने डिजाइन किया था। और वो ही डाइट आपके लिए, यानी कि जिनको 4-5 साल हुए जिम करते हैं उनके लिए ये डाइट है। अगर आपने अभी अभी जिम शुरू की है तो ये आपके लिए डाइट नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा आपको ये खराब करेगी, आपको हजम नहीं होगी। और आपका अगर वजन 60 से लेकर 70 kg के दरमियान है तो ये डाइट आपके लिए परफेक्ट है, जो मैं मील बनाऊंगा। मील नंबर, अगर आपकी हम मैक्रो ब्रेकडाउन करें तो आपकी जो कैलरी बनती है वो 3000 से 3200 kcal के दरमियान है। और ये जो पहली मील है इसमें आपकी 500 से 600 kcal आपकी बनेगी। चले टाइम लाए के बगैर हम अपनी मील की तरफ चलते हैं। ये हमारी मील नंबर 1 ब्रेकफास्ट। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन उसको भी दबाएं। और मैं हूं वैसे फिटनेस मोटिवेटर, चलिए शुरू करते हैं। हम दो रोटी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने नहीं दो खाई आ रही तो आप 1 या 1.5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 रोटी में लगभग 12 ग्राम प्रोटीन है और 60 ग्राम इसके पास के कार्ब है और 8 ग्राम के पास के अंदर फैट है। यानी कि इसके अंदर जो टोटल कैलरी है तकरीबन 300 से 350 ग्राम इसके अंदर कैलरी। और इसके साथ हमारे पास है योगर्ट, यानी कि दही, 1 कप दही का इस्तेमाल करें। और साथ ही थोड़ी सी पीनट है, मूंगफली की गिरी, गिरी का इस्तेमाल करें कच्ची। और हम इसके साथ 5 जो एग वाइट का इस्तेमाल करेंगे, 2 होल एग और 3 एग वाइट। अगर आपके पास मूंगफली नहीं है यानी कि पीनट आपके पास नहीं है तो फिर आप 5 का करें, अगर पीनट है तो आप 4 एग वाइट का इस्तेमाल करें। चलिए पहले अंडे बनाते हैं। ये मैंने बर्नर ऑन कर दिया है, तब जब ये गर्म हो रहा है मैं आपको मूंगफली का पीनट का वजन करके दिखाता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए मूंगफली खाने के। अक्सर लोग पूछते हैं भाई आप वजन करके भी खाया करो। ये आप देख रहे हैं 36 ग्राम जो इसका वेट है, यानी कि इसके अंदर 7 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है और 15 ग्राम इसके अंदर फैट है और 4 ग्राम इसके अंदर कार्ब है। यानी कि इसके अंदर जो प्रोटीन और कार्ब की रेशियो है 1:1 की, बहुत ही बेस्ट है मसल गेन के लिए। ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से गर्म हो गया। चले हम अंडे बनाते हैं। साहब ये हमने 1 होल एग का इस्तेमाल किया है, आप एग वाइट का इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह इसकी जो अंदर की गोली है यानी कि जर्दी इसको निकालते हैं। इसके अंदर ये सैचुरेटेड फैट है, ये आपको नहीं चाहिए। इसकी जो दिन में रेकमेंड है इसकी जर्दी की, यानी कि सैचुरेटेड फैट है ना इसके अंदर, तो इसकी जो एक दिन में रेकमेंड है वो तकरीबन 15 ग्राम के आसपास है और एक जर्दी के अंदर 6 ग्राम जो है इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है। और हम पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 जर्दी का इस्तेमाल करें। हम इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
या आप थोड़ा सा जो सॉल्ट नमक इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा नहीं आपने करना, वरना मेरे ख्याल से आपका हो गया मीडियम आपको कुक करेंगे इसे। बस इतना सा जो हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं आपने करना, फैट बनने के चांस आपके हो सकते हैं। और इस तरह से करें ताकि नीचे से जो हमारा अंडा वो जुड़े ना। मीडियम आग पर आप कुक करें इसे। अगर आपकी जो आग नीचे से तेज होगी तो ये इसके अंदर जो इसकी गजाइयत है वो बर्न हो जाएगी। एक जो होल है यानी कि जर्दी, इसमें जो अंडा उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होती है, जो अगर हम इसकी जर्दी निकाल दें तो इसके अंदर 4 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अंदर जो फैट है तकरीबन 10 ग्राम के पास है, क्योंकि तो हम दो जो योग है जर्दी के इस्तेमाल किया। और बेसिकली ये प्रोटीन डाइट है, इससे आपका जो मसल गेन है होगा। और इस मील में जो हमारी रेशो है तकरीबन 1:2 रेशो है, यानी कि प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन उसके पीछे 2 ग्राम का, जो कि बहुत लीन मसल गेन होगा। अक्सर जो लोग मैंने देखा, जो अक्सर लोग बताते हैं मसल गेन करने के लिए ये खाओ वो खाओ, वो जो उसके अंदर रेशो होती है ना प्रोटीन और कार्ब की, यानी कि अगर कोई कहता है मिल्क शेक पियो उसके अंदर 2 केले डालो और केले जो है मिल्क का इस्तेमाल करो, उसके अंदर जो रेशो बन जाती है 1:5:1:6, जो कि आपकी फैट गेन करिए कि आपका पेट जो है बाहर आ जाए। ये जो रेशियो मैंने आपने डिजाइन की है 1:2 की रेशियो है, यानी कि इसके में आपका 1 ग्राम प्रोटीन उसके पीछे 2 ग्राम का लीन मसल गेन होगा, यानी कि आपकी फैट नहीं बढ़ेगी, पेट नहीं बाहर निकलेगी, जो आपका सिर्फ मसल गेन होगा। ये तकरीबन हमारा ऑलरेडी कुक हो चुका है। इसके अंदर हमारी जो प्रोटीन की टेक है 5 ग्राम प्रोटीन है और 10 ग्राम कार्ब है और 3 ग्राम फैट। मूंगफली का मैंने आपको बता दिया रोटी का, यानी इसके अंदर जो टोटल हमारी जो प्रोटीन है 36 ग्राम प्रोटीन है, बहुत ही अमेजिंग अच्छी प्रोटीन है इसके अंदर। और इसके अंदर कार्ब वो है 60 ग्राम के पास कार्ब है, और जो फैट इसके अंदर 10 ग्राम है रोटी के अंदर सभी वो, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है 10 ग्राम। अगर हम पूरी फैट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 20 ग्राम के पास फैट है, हेल्दी फैट जो आपको चाहिए, हेल्दी फैट जो है। फैट भी आपकी इंटेक है वो तकरीबन एक दिन में 90 ग्राम के पास फैट है, इसकी पूरी मील में आपकी जो फैट है 20 ग्राम है, बहुत ही अच्छी रेशो है। 2 रोटी है, अगर आपसे 2 नहीं खाई जा रही तो आप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं आपने खाना। अगर ज्यादा खाएंगे तो अगली जो आपकी 3 घंटे बाद जो आपकी मील होगी ना उसमें आपसे ज्यादा नहीं खाया जाएगा, भूख रखकर खाना है। यानी कि अगर आपसे इससे ज्यादा नहीं तो रोटी को कम कर दो, 2 1 कर दो, ये क्या बात, 2 1 कर दो। इसके अंदर जो आपकी टोटल में जो कैलरी है उसकी जो है 600 कैलरी है, बहुत ही अच्छी कैलरी है। अगर आप इस पूरी मील को खाएंगे ना तो, अगर इसको मैंने 5 मील आपको बताई है, एक पहले दिन आप पहली मील को ट्राई करें और बाकी जो आप पूरा दिन खा रहे हैं कि ठीक खाएं हल्दी खाएं, और कल हम आपको दूसरी मील बताऊँ, फिर आप दो अपने जो है 2 मील का इस्तेमाल करें अपने जो डाइट में। अब जब मैं आपकी 5 मील आपकी पूरी कर दूँ फिर आप जो मैं पूरी डाइट बताऊँगा वही आपने खानी है, बाकी चीज़ें आपने छोड़ देनी है, आपको आगे बर्गर चीज़ा ऐसी चीज़ें छोड़ के इनको खाना। और 2 हफ्ते के अंदर आपका जो रिजल्ट आपके अपना वजन कर देना, अपना पहले दिन आपका वजन करना वर्कआउट पहला जो आपको वो कर रहे हैं अगर नहीं किया उसके साथ, यानी दोनों का कंबाइन करोगे, दोनों वर्कआउट और डाइट को कंबाइन करो फिर आपको इसके रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो मैंने आपके लिए वर्कआउट डिजाइन किया था वो डाइट के हिसाब से किया, दोनों को कंबाइन करके खाएं, वर्कआउट को अच्छा करके ना हो, वर्कआउट भी फॉलो कर रहे हैं 15 रेस्ट लगा रहे हैं बैठ के, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरा वर्कआउट 8 रेप्स वाला करें
और इसके साथ अगर ये डाइट खाएं बहुत ही अच्छा ब्लड पे है। दो हफ्ते के अंदर आपका जो आम है आपकी जो पूरी बॉडी है ऊपर से यानी कि आपका साइज बढ़ेगा। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और खाएं इस मील को और आम बनाएं। और गाइस टेक केयर।